नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है प्रॉक्सिमो रवि पे। कई बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से जो है एक अच्छी कमाई कर सकते हैं, और एक ऐसे ही बिजनेस का नाम है कार्ड प्रिंटिंग, और इसमें आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर घर में शादी हो, किसी का जन्मदिन हो, सगाई हो, तिलक हो, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हम उसका कार्ड छपवाएं। शादी के सीजन में हजारों की संख्या में जो है कार्ड छापे जाते हैं सिर्फ एक ही दिन में और एक शहर में। कार्ड प्रिंटिंग सीखने के लिए आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं रहती है। आप उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं जो पहले से ही प्रिंटिंग की दुकान रखते हैं। जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वह आपको आसानी से इसके बारे में वो पूरी जानकारी दे देंगे। आपको बता दें, कार्ड प्रिंटिंग में जो है अलग अलग रंगों की स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अलग रंगों की स्याही को कैसे बदलते हैं और कितनी मात्रा में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। और अगर आप प्रिंटिंग के बिजनेस में पूरी तरह से उतरना चाहते हैं तो खुद को अपडेट करना बिल्कुल जरूरी रहता है, क्योंकि जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर हर साल अपडेट किया जाता है, उसी तरह से जो है कार्ड की जो डिजाइन है साल दर साल बदलती रहती है। ऐसे में लेटेस्ट डिजाइन आपको सीखना चाहिए और उसे पूरी तरह से जो है कार्ड पर उतारना एक टास्क होता है। मामूली से कार्ड की जो कीमत होती है वो 5 से 10 रुपए के बीच होती है, और कार्ड की जो कीमत है, कार्ड का जो पेपर है उसकी क्वालिटी और डिजाइन पर निर्भर करती है। जैसे जैसे कार्ड की जो क्वालिटी है और उसकी जो डिजाइन है अच्छी होती है, वैसे वैसे उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ती जाती है। देखिए, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि हर शादी में कम से कम 300 से लेके 500 से लेके 1000 कार्ड जरूर छपते हैं। और अगर आप मान लीजिए 10 रुपए का एक कार्ड आप प्रिंट कर रहे हैं, तो उसका पूरा खर्च निकालने के बाद आपको 3 से 5 रुपए का एक कार्ड से जो है आराम से बचेगा। अगर कार्ड महंगा हो तो उस पे और भी ज्यादा बचत रहेगी, 10 से 15 रुपए तक उसमें आपकी बचत रहेगी। तो ये एक हिसाब से जो है आप अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। इतनी जानकारी कार्ड प्रिंटिंग से जुड़े बिजनेस की, और जल्द ही हम लेटेस्ट अपडेट के साथ आएंगे कोई नया बिजनेस के साथ। आप सभी लोग का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।